सावन का महीना चल रहा है और शिव भक्त कांवड़ियों को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ शिव भक्तों ने कांवड़ को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इन सभी के बीच आजकल श्रवण कुमार कांवड़ पर अपनी मां के लिए भोलेनाथ के दर्शन कर हरिद्वार से मेरठ तक पैदल आया है। जी हाँ, बुधवार को मेरठ में एक ऐसी भक्ति देखने को मिली जिसमें भक्त भगवान के प्रति जितना श्रद्धावान है, माँ की ममता के प्रति भी उसकी उतनी ही आस्था है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के परतापुर के सतेंद्र कुमार की, जो अपनी बूढ़ी माता रोशनी देवी को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकले। उन्हें भी अपनी माँ को तीर्थ करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बता दें कि सतेंद्र कुमार ने तराजू नुमा पालकी में एक तरफ अपनी माँ को बैठाया और दूसरी पालकी में माँ के भार के बराबर अमृत गंगा जल रखा और फिर हरिद्वार से मेरठ तक यात्रा बड़ी मशक्कत और कठिनाई से पूरी की। इस यात्रा को पूरी करने में सतेंद्र को लगभग 15 दिन का समय लगा। बस माँ का आशीर्वाद है। इतने टाइम से आप लेके आ रहे हैं ये कांवड़? 14 दिन हो गए। आज 14 दिन हो गए। क्या नाम है आपकी माता जी का? रोशनी देवी। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो कुछ संदेश देना चाहते हैं आपको जी? और लोगों को और लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जब श्रद्धालु मेरठ की सरजमी पर पहुंचा तो अन्य भव्य कांवड़ शिविरों में उनका भव्य स्वागत किया गया और उनकी पूजा भी की गई। इसके साथ ही सतेंद्र कुमार और उनकी मां ने सभी श्रद्धालुओं व देशवासियों को संदेश भी दिया कि सभी को अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। ग्लोबल टुडे के लिए मेरठ से परवेश चौहान की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोज। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।